हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी हो, चाहे आर्मी जीडी हो, चाहे आपका दिल्ली पुलिस एमटीएस ही क्यों ना हो, दोस्तों वर्दी आप पाना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट मेडिकल आपका जो है पूरा फिट होना चाहिए आपका। बहुत सारे हमारे साथी, हमारे भाई बहन ऐसे भी थे जो ये आपका एसएससी जीडी का भर्ती है उसमें वो बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने लिए, लेकिन मेडिकल में ऐसा पॉइंट निकल गया कि वो कभी फिट हो ही नहीं सकते। उसके बाद बावजूद भी वो आखिरी मोमेंट तक उनको ये भी लगा कि मुझे केस करना चाहिए, कोर्ट केस करना चाहिए, मुझे रिट याचिका लगानी चाहिए। तो रिट याचिका का भी कोई ना कोई आधार होता है, बिना किसी आधार के रिट याचिका लगाने का क्या हश्र होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है, कॉन्क्रीट एविडेंस आपके पास में होने चाहिए कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। कौन सी रिट लगती है, कैसे लगती है, ये सब आप संविधान में पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 32 क्या है, कि वो हमारे जो हमारे मूल अधिकार हैं उसका, उनकी रक्षा करने वाला अनुच्छेद है, मूल अधिकारों की पालना करवाने वाला अनुच्छेद है। तो आपसे कम नंबर का कैंडिडेट भर्ती हो रहा है, आप भर्ती नहीं हो रहे हैं, तो ये आपके मूल अधिकारों का हनन है, ये समानता के अधिकार का हनन है। लेकिन आपको ब्रांकी मेटाटार्सिया है, उस वजह से आप फिट नहीं हुए हैं, तो वो उसमें कोई समानता का अधिकार नहीं है। उसमें ये है कि वहाँ समानता वाली बात नहीं आई। फौज को जो फिट लगेगा उसको फौज भर्ती करेगी, जो फिट नहीं है उसको फौज भर्ती नहीं करेगी। लेकिन कहीं यदि मेडिकल गाइडलाइन फॉलो नहीं होती है तो वहाँ पर जो है माननीय उच्च न्यायालय उसमें इंटरफेयर करते हैं, उसमें निर्देश भी करते हैं। और बहुत सारे हमारे साथी हमसे जुड़ कर भी, हमसे बिना जुड़े भी कोर्ट केस उन्होंने किए, हमारी गाइडेंस से किए, और वो उनके एडवोकेट्स ने भी बहुत उसमें मेहनत की। मेडिकल गाइडलाइन हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, यदि आपको चाहिए तो मेडिकल गाइडलाइन हम आपको एक व्हाट्सएप मैसेज पर अवेलेबल करवा देंगे। कुछ मेडिकल पॉइंट्स देके आपके यहाँ डिस्कस करेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि वर्दी की तैयारी से पहले कंप्लीट मेडिकल चेकअप जरूर करवा कर देखें। हमारे सेंटर पर कंप्लीट मेडिकल चेकअप की सुविधा है, हॉस्पिटल के साथ हम एसोसिएट हैं, आर्मी के रिटायर्ड कर्नल रैंक के ऑफिसर जो हैं वो पूरा उनकी देखरेख में पूरा मेडिकल होता है। और आपका जिस तरीके से फोर्स में मेडिकल होता है, फोर्स में एक डॉक्टर जो है वो एक दिन में 20 कैंडिडेट्स का मेडिकल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर 5 से ज़्यादा कैंडिडेट का मेडिकल एक दिन में नहीं करते। तो अब आप टारगेट वर्दी है आपका, चाहे वो एसएससी के माध्यम से हो, चाहे नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, किसी भी माध्यम से हो, कंप्लीट मेडिकल चेकअप आपका बिल्कुल 100% होना चाहिए। किसी प्रकार की उसमें कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए। विसंगतियां 3 प्रकार की हो सकती हैं। देखिए, एक विसंगति ऐसी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, उसमें सलाह हम देते हैं कि आप ये वर्दी का टारगेट छोड़ दीजिए और आप कोई दूसरा टारगेट पकड़िए। दूसरी विसंगति होती है, आप सर्जरी करवा के ठीक हो सकते हैं, उसमें हम एडवाइज़ करते हैं सर्जरी करवा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। तीसरी विसंगति, कुछ स्मार्ट वर्क, छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो इसलिए आपको मिल जाते हैं कि आपको पता नहीं होता वहाँ पर करना क्या है। पहली बार आप मेडिकल में जाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ में वो प्रॉब्लम आ जाती है, उनको नहीं पता होता वहाँ क्या होगा, कैसे होगा। कई, यहाँ तक कि कई हमारे साथियों को तो ये भी नहीं पता होता कि प्राइवेट पार्ट भी चेक होगा क्या, आपका एनएस, आपका हाइड्रोसिल, टेस्टिस, ये सब टेस्टिस, यहाँ तक कि आपका पूरा डॉक्टर जो है प्रेस करके देखते हैं कि टेस्टिस जो है उसमें प्रेस करने से पेन तो नहीं हो रहा है, या टेस्टिस जो है वो दोनों की साइज जो है वो सेम है। अब नहीं पता होता है, छोटा सा पॉइंट होता है, देखिए एक जो लूज टेस्टिस होते हैं उसमें थोड़ा सा बर्फ जो है उसका आप इस्तेमाल करके टेस्टिस को टाइट कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट जो है वो हमारे जो डॉक्टर हैं वो आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप फिट हो सकते हैं। कुछ पॉइंट यहाँ डिस्कस करेंगे हम। तो आइए देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखिए ये चोट लगा हुआ है एक्चुअली, तो जो पुराना चोट है उसमें फ्रैक्चर जो होता है, फ्रैक्चर इसलिए आपका पुराने चोट जितने भी होते हैं सर्जिकल कटमार्क होते हैं उनको पहली बार, मतलब कि डीएमई में उनको ज़्यादातर अनफिट किया जाता है। उस वो इसलिए अनफिट किया जाता है कि आपके पास पुरानी चोट है, आपके पास में पुरानी सर्जरी है, लेकिन आपके पास में पेपर्स नहीं हैं। यदि आपकी कोई पुरानी सर्जरी है, कोई चोट है, तो आप उसके पेपर्स जो है वो संभाल के रखिए। आपको जब जाएंगे डीएमई में उस समय वो पेपर यदि आपके साथ होते हैं, आपके पास होते हैं, तो फिट हो जाते हैं। पेपर नहीं होता है तो उसको
एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए उसमें आपको अनफिट कर दिया जाता है। अब आप अनफिट होने के बाद में सिविल डॉक्टर से फिटनेस लेंगे आप, उसके बाद आप आवेदन करते हैं, या यदि आप आर्मी वगैरह में आप जा रहे हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, इन सब में आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे MH मिलिट्री हॉस्पिटल में आपको रेफ़र किया जाता है, और मिलिट्री हॉस्पिटल में उसके जो संबंधित एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो उसको चेक करते हैं। पुरानी चोट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि अंदर हड्डी की जगह कोई रोड वगैरह नहीं डला हुआ होना चाहिए, यानी कि फॉरेन बॉडी जो है वो आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिट हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, हमारे देश में धर्म निरपेक्ष देश है, और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए इंडियन आर्मी जो है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही बाएं हाथ पर कलाई के अंदर की तरफ या कोई ऐसा पार्ट कि जो आप वर्दी पहनने के बाद में आप सावधान पोजीशन में आप खड़े होते हैं या आप सैल्यूट करते हैं तो आपकी बॉडी पर दिखाई नहीं दे रहा हो, उसमें आपको इंडियन आर्मी के जितने भी हैं रक्षा मंत्रालय के जो फोर्सेस हैं वो आपको फिट कर देती हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि बाएं हाथ पर यदि ये ओम बना हुआ है तो आप इंडियन आर्मी में आप फिट हो जाएंगे, लेकिन आप CAPF सब इंस्पेक्टर या BSF CRPF के ट्रेड्समैन या SSC GD में आप कहीं भी फिट नहीं हो पाएंगे। यहाँ तक कि इतने भी हमने देखे हैं कि ये टैटू जो है इसमें पूरा रिमूव हो गया, इसको लेजर करवाया और एक ये इतना सा दाग भी रह गया, इसको भी अनफिट कर दिया गया, या ये टैटू जो है इसको DME में अनफिट होने के बाद में रिमूव करवाया, समय कम मिला, स्टिचिंग जो थी वो फूल गई, केलोइड बन गया और कैंडिडेट अनफिट हो गया। तो आपको एडवाइस करते हैं, टैटू वगैरह यदि आपकी बॉडी पर है तो आप DME का इंतजार नहीं करें, पहले से आप तैयार रहें, उसको रिमूव करवा दें। ये देखिए डेंटल कैप, दांत के ऊपर यदि आपके कैप लगा हुआ है तो इस तरीके का कैप जो है वो आपका DME में 100% अनफिट है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये आप ये कहेंगे ये मैंने सिर्फ ऊपर कैप लगाया है, ये लेकिन ये कैप को डॉक्टर जो है वो इसको नकली दांत मानते हैं, आर्टिफिशियल डेंट इसको कहेंगे वो उनके पास अभी ऐसा इक्विपमेंट नहीं है कि वो इसको चेक कर लें। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन होता है या तो आप कैप उतरवा दीजिए यदि आपकी जड़ें मौजूद हैं तो, या आप अपने दांत का एक्सरे OPG करवा कर लेके जाएं आप, जिसमें क्या होगा कि आपका ये कैप सिर्फ यदि ऊपर ही लगा हुआ है और जड़ें मजबूत हैं, जड़ें जो है वो मौजूद हैं, आपके रूट्स मौजूद हैं, तो आपका रूट का मतलब है कि आपका डेंटल पॉइंट काउंट हो जाएगा, वरना आपके डेंटल पॉइंट जिसको 32 दांत होता है उसके 24 डेंटल पॉइंट होते हैं, और यदि 32 में से यदि एक जाड़ नहीं है नीचे वाला तो 4 नंबर कट हो जाएगा, 2 इसका और 2 इसका जो जोड़ा बनता है ऊपर वाला। अब कई गार्जियन ने यहाँ तक कि हमसे पूछा कि दांत का फौज में क्या महत्व है, तो आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों, फौज का मतलब है, फौजी का मतलब है लड़ना और जीतने के लिए लड़ना। तो दांत का महत्व ये है कि जब मेरे पास एम्यूनिशन खत्म हो जाएगा, मेरी खुकरी भी टूट जाएगी, मेरा चाकू भी टूट जाएगा मेरा, तो उस समय मैं दुश्मन का गला अपने दांतों से काट दूंगा, वो हौसला होता है फौजी का, इसलिए दांत जरूरी होते हैं। कमांडो कोर्स आप करते हैं, आपको अपने दांतों से मुर्गी की गर्दन चबाकर तोड़ डालनी होती है, क्योंकि कमांडो का मतलब है सर्वाइवल, और बहुत सारी चीज़ें मैं सारी नहीं बताऊँगा आपको। तो दांत भी आपके वैसे ही मजबूत होने चाहिए जैसे आपके हाथ होने चाहिए, उसमें कोई भाईबंदी वहां पर नहीं चलती है। ये कैंडिडेट जो है ये आप लोग पिक हमें सेंड करते रहते हैं, और वो पिक हम एक्चुअली डॉक्टर सर को हम दिखाते हैं, और उसके बाद आपको एडवाइस करते हैं। इनको हमें हमारे डॉक्टर सर के अनुसार इनको कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, लेकिन ये दुबला पतला शरीर होने की वजह से हो सकता है शेप ऐसा बन रहा हो, या कोई विसंगति भी हो सकती है क्योंकि पिक में पूरा क्लियर नहीं होता है। तो इनको एडवाइस किया हमने कि आप ऑर्थो डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए उनके साथ में आप। अब ये देखिए जन्मजात निशान है, बाई बर्थ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैरी मोल होता है, हैरी मोल में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत बड़े जो हैरी मोल होते हैं वो अनफिट हो जाते हैं, इनका ट्रीटमेंट हो जाता है, अभी स्पेशलिस्ट जो है ट्रीटमेंट कर देते हैं। अब ये पॉइंट ऐसा है कि इसमें आपको DME में आपको इसमें अनफिट कर दिया जाएगा, उसके बाद आप जाएंगे स्किन स्पेशलिस्ट से आप ओपिनियन लेंगे, स्किन स्पेशलिस्ट लिख देते हैं कि ये बाय बर्थ है, उसके बाद एक कैंडिडेट फिट हो जाता है। अब फिट अनफिट करना जो है वो देखिए डॉक्टर के काम है,
कुछ हमें कैंडिडेट्स पूछते हैं कि मुझे CRPF को लेटर लिखना है, आप हमें नंबर बता दीजिए, आप हमें ईमेल बता दीजिए, तो आपको बता दूं कि चाहे आपको CRPF को लिखना हो, चाहे गृह मंत्रालय को लिखना हो या प्रधानमंत्री जी को लिखना हो, सबका जो है गूगल पर सबके एड्रेस दिए हुए हैं, और जो सार्वजनिक है वो हम भी बता देते हैं कि इसका नंबर चाहिए, HM होम मिनिस्टर साहब का नंबर चाहिए, तो होम मिनिस्ट्री की ID बनी हुई है, आप उस ID पर खोज कर लीजिए। आप सिर्फ इतना लिखेंगे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, आपको सब मिल जाता है। ये देखिए दोस्तों, विटिलिगो है ये विटिलिगो के बारे में आपको बता देता हूँ कि विटिलिगो एक ऐसी खतरनाक पॉइंट है कि वो फिट नहीं होता है। आपको यदि बॉडी पर सफ़ेद दाग हैं आपको, तो आप चेकअप करवाइए अपना। छोटे जो विटिलिगो के दाग होते हैं उस पर कुछ कैंडिडेट स्मार्ट वर्क करके पेंट लगा लेते हैं उस पर, और वो पेंट लगा कर वो DME में फिट हो जाते हैं, RME में वो पेंट लगा हुआ फिट नहीं होगा, ये बता देता हूँ। दांत की बहुत सारी भ्रांतियाँ आपको कि दांत, अब ये एक्स्ट्रा दांत है कैंडिडेट का, एक्स्ट्रा दांत, यदि आपको 32 दांत हैं पूरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा, इसको आप चाहें तो इसको सर्जरी, इसका छोटा सा होता है, डेंटिस्ट जो है इसको निकाल देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रहेगा तो भी फिट है और निकाल देते हैं तो भी फिट है, तो आप अपना निर्णय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये देखिए बर्थमार्क है, ये बर्थमार्क में आपको DME में आपको पॉइंट मिलेगा, इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। जो छोटे यदि आपके बर्थ मार्क इस तरीके के हों, हैरी मोल टाइप हों, तो आप उसका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लिए। ये कुछ हमारे साथी जो हैं वो पिक भेजते रहते हैं हमें, जो सेलेक्ट हो गए वो भेजते रहते हैं, जो सेलेक्ट हो गए वो कहते हैं कि मेरा सक्सेस स्टोरी जो है वो आप कवर कीजिए। बहुत सारे हमारे साथी जो है वो सेलेक्ट होने से पहले हमसे बड़ा चैट करते थे, कॉल भी करते थे, और एक बात ज़रूर कहते थे कि मैं यदि भर्ती हो गया, मैं वर्दी पा लिया, तो मैं आपको मिठाई ज़रूर खिलाऊंगा। लेकिन अभी तक हमें जो है सिर्फ मुश्किल से 3 या 4 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो मिठाई के लिए हमें पूछा उन्होंने, बाकी तो भूल गए। तो देखिए दोस्तों, ऐसी बात है कि हमारे देश में तो लोग भगवान का प्रसाद भी चढ़ाना भूल जाते हैं, तो हम तो इंसान हैं, चलिए उसके लिए कोई बात नहीं। तो यदि आपका भी कोई ऐसा पॉइंट है, कोई मेडिकल में आपको पॉइंट लगता है, आपको डाउट लगता है, तो वो ज़रूर क्लियर करें और मेडिकल अपना एक बार ज़रूर चेक करवा के देखें, ताकि आप जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसमें आप बच सकते हैं। सर्जरी वाले पॉइंट हैं, सर्जरी करवा सकते हैं। यदि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कभी फिट नहीं हो सकती, तो आप वो रास्ता छोड़ कर आप दूसरा टारगेट पकड़ें। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका भी कोई पॉइंट है हमारे साथ में आप शेयर कर सकते हैं, आपकी गोपनीयता बनाए रखने की पूरी गारंटी है, आपके पिक्स वगैरह जो है या आपकी आइडेंटिटी कहीं उजागर नहीं की जाएगी। जय हिंद, जय भारत।